मामूली बरसात में खोली गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के पोल ब्रिज घाट में हुआ जलभराव, लोग परेशान। हम आपको बता दें कि शनिवार की सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की पोल खुल गई है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ब्रिज घाट तीर्थ नगरी के रहने वाले लोगों को मामूली बरसात के कारण जल भराव के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। दोनों तरफ के रास्ते चौक हो गए हैं, बाइक वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है। दरअसल शनिवार की सुबह लगातार बारिश होने के कारण ब्रिजघाट तीर्थ नगरी में जगह जगह जलभराव हो गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दुकानदारों की दुकान के आगे जलभराव हो गया और उनकी दुकान में पानी तक घुसने तक की नौबत आ गई। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रिजघाट में अचानक जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो गढ़मुक्तेश्वर की नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी मामूली बरसात ने गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की पोल खोली तो लोगों को भी काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से यहां पर नगर पालिका का विकास दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। भूपेंद्र जी, ये पानी कैसे भरा हुआ है यहाँ पर? पानी बारिश का भरा हुआ, बरसात का निचला हिस्सा भरा हुआ है यहाँ पर। ब्रिज घाट का पानी यहीं भरता है, नाली नहीं, खड़ंजा नहीं, कुछ भी। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल जी। ये पानी कैसे भरा हुआ है यहाँ पर? पानी जैसे परेशान है ना सड़क का, तो यहाँ बरसात का है, निकास तो है कम, तो थोड़ी बहुत देर में निकले, कम से कम एक घंटा लग गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा चौधरी है। पानी कैसे भरा हुआ है? पानी इस वजह से भरा हुआ है, सड़क ऊंची नीचे, ना तो सड़क तमीज की बनी हुई, ना इतने हैं कार्य पर रहे होते, ना इतनी बारिश पड़ी है। देख लो पानी, देख लो तुम, आप पीछे देख रहे होगे आप कितना पानी है, नाली खड़ंजे सब, ये सब ऐसी सब अपने जेब के चक्कर में लग रहे हैं, ना कार्य हो रहा नहीं, कुछ हो रहा है यहाँ पे।